इस वक्त आई है सबसे बुरी खबर सामने। जी हां, आप सबको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद की सदस्य और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सदस्य करीमुन्निसा का शुक्रवार की देर रात 56 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। जी हां, आपको बता दें कि करीमुन्निसा उनके परिवार के सदस्यों की माने तो करीमुन्निसा को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हो रही थी, जिसके चलते उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर लगभग आधी रात को करीमुन्निसा ने अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने कहा है कि करीमुन्निसा को कार्डियक अरेस्ट अटैक आया था, जिसके चलते उनका निधन हो गया। बता दें कि YSRSP नेता के परिवार में पति मोहम्मद सलीम और 5 बेटे हैं। करीमुन्निसा को कुछ स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। करीमुन्निसा गुरुवार और शुक्रवार को विधान परिषद में भी शामिल हुई थी। विधायक ने सोमवार को मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात की थी। 30 मार्च को 6 साल के कार्यकाल के लिए विधायक कोटे से विधान परिषद के लिए वो चुनी गई थी। पहले विद्यागाड़ा निगम के लिए नगर सेवक के रूप में उन्हें चुना गया था। हाल ही में नगर पालिका चुनावों में एक और कार्यकाल के लिए वो प्रचार भी कर रही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यहां पर करीमुन्निसा के निधन पर दुख जताया है। जगन मोहन रेड्डी ने करीमुन्निसा के अचानक निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि करीमुन्निसा के निधन चौंकाने वाला है, क्योंकि वो शुक्रवार को परिषद के सत्र में भी शामिल हुई थी। तो ये खबर इस वक्त हम सबको चौंकाने वाली है और उनके निधन से हमें काफी बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।